أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोसिस बहन भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में खैर व आफियत, अमन और चैन और बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक फरमाबरदार और ज़िंदगी वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ और रिस्क की वाफर मकदार में हमें रिस्क अता फरमाए, आमीन। इस नेक दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक बहुत अजीम ज़ात है, उससे हम मांगे वो अता करता है। इंसान परेशान होता है अगर वो अपने मुंह से भी ना मांगे, अपने दिल में ही वो बात रखे, अपने दिल में ही उस दुआ को रखे, फिर भी मेरा अल्लाह उस दुआ को पूरा करता है। क्योंकि जितना इंसान दिल में रखता है, दिल की डायरेक्ट आवाज़ अल्लाह तक पहुंचती है। वो अजीम शान है, वो अजमत वाला है, उसकी शान उसकी बादशाहत बहुत अजीम है। वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। जो इंसान मुश्किल में होता है उसकी मुश्किलात को हल करता है। वो अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, एक ऐसे इस्मे मुबारक जिसको पढ़ने से अगर आपको रिस्क में कोई भी तंग दस्ती पेश आ रही है, कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी साइड से, सिर्फ ये इस्मे मुबारक आप पढ़ें, इंशाल्लाह ताला से फिर देखिएगा अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को कैसे हल करेगा। वो क्या है कि आपने अव्वल और आखिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 100 बार हर रोज़ ये तस्बीह पढ़ें, या वहाबू अता करने वाला, या वहाबू अता करने वाला। सिर्फ इसमें उपाय कि आपने तस्बीह करनी है, फिर देखेगा इंशाल्लाह ताला से अल्लाह पाक किस तरह से आपको दौलत से, किस तरह से रिस्क से, किस तरह से दीन की दौलत से अता करेगा। जो भी मुश्किलात हैं रिस्क की तरफ से, वो सारी दंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और रिस्क वाफर मकदार में अता करेगा। मेरे मोसिस बहन भाई, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। जितने भी ज़्यादा मेरे ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगी, देखिएगा इंशाल्लाह ताला से किस तरह से आप लोगों को ये सवाब मिलेगा। क्योंकि इंसान कोई नेक बात, अच्छी बात लोगों तक शेयर करे तो वो एक सदक़े जारिया कहलाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।